हेलो एंड वेलकम टू रिदेश टेक्नो हब। हमने अपने लास्ट डिस्कशन में जो बल्क मटेरियल सिस्टम के बारे में समझा था और बल्क मटेरियल को कैरी करने के लिए जो बेल्ट कन्वेयर सिस्टम है उसका भी हमने ओवरव्यू देखा था, तो हम इस वीडियो में कन्वेयर बेल्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं एक बेल्ट का, एक बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए बेल्ट इन ए बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। हमने देखा, नॉर्मली ऑब्वियस है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ लोड, जो भी मटेरियल हमको कैरी करना है किस पॉइंट वन टू पॉइंट टू, किसी भी दो पॉइंट के बीच, तो ये पहला फंक्शन आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ लोड। लोड को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जब हमारा किसी एक फीडर के पास बेल्ट में मटेरियल डंप होता है तो उस वहाँ पे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है जिसको आपका बेल्ट, जो शॉक जो आएगा उसको भी ये बेल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट एनर्जी एट लोडिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल हम अभी इसके ऊपर कैरी करके लेके जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर और इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, कोई केमिकल अटैक है क्या बेल्ट के ऊपर, ये सब इसको एब्जॉर्ब करना है। और इस ये जो लोड है इसको सेफली पॉइंट वन टू पॉइंट टू हमारा इसको सेफली कैरी करना है, मीटिंग ऑल द सेफ्टी कंडीशंस, मीटिंग ऑल द सेफ्टी कंडीशंस इसको ट्रांसपोर्ट करना है। ये थर्ड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीन मेजर फंक्शंस होते हैं एक बेल्ट का कन्वेयर सिस्टम में। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ लोड, सेकेंड है एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट एनर्जी एट लोडिंग पॉइंट, एंड थर्ड इज विथस्टैंड टेम्परेचर एंड केमिकल इफेक्ट्स एंड मीट द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए देखते हैं बेल्ट कंस्ट्रक्शन, एक बेल्ट क्या कंपोनेंट से बनता है। मेनली कन्वेयर बेल्ट का तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जो कैरकेस, दूसरा होता है स्किम्स और तीसरा होता है कवर। हम देखते हैं डिटेल्स में ये क्या है। तो ये एक बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इसमें जो टॉप सरफेस है उसको हम लोग टॉप कवर या कैरी कवर कहते हैं, बिकॉज ये जो सरफेस है ये मटेरियल को कैरी करता है। ये दिस कैरीज द मटेरियल, तो इसको हम लोग कैरी कवर कहते हैं। और बीच का पोर्शन ये इसको कारकेस बोलेंगे। ये फैब्रिक, उवेन फैब्रिक से बना हुआ होता है, उवेन फैब्रिक। इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे थोड़े देर में। और जो कवर का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको बॉटम कवर या पुली कवर भी बोलते हैं, बिकॉज यही पोर्शन जो होते हैं वो पुली के ऊपर रैप होता है, तो इसको पुली कवर भी बोलते हैं। अगर ये टॉप कवर का थिकनेस T1 है मान लीजिए, बॉटम कवर का T2 है और बीच का जो कैरकेस है इसको T3 बोलेंगे। तो ये जब तीनों हम एड अप कर देंगे तो टोटल बेल्ट थिकनेस हमको मिलेगा। आपको अभी जो मैं पिक्चर दिखाया उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है। पहले समझते हैं कैरकस क्या होता है। इसको हार्ट ऑफ कन्वेयर बेल्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये जो है ये इस रेनफोर्समेंट है जो कि बेल्ट के अंदर पाया जाता है। ये एक उवेन फैब्रिक है और कन्वेयर बेल्ट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका फंक्शंस क्या है? इट प्रोवाइड द नेसेसरी टेंसाइल स्ट्रेंथ टू मूव द लोडेड बेल्ट। सेकेंड, इट एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट एनर्जी जो ये इम्पिंजिंग मटेरियल इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा। जब इसके ऊपर मटेरियल गिरेगा तो जो एनर्जी इम्पैक्ट इसके ऊपर डालेगा उसको ये कैरकस एब्जॉर्ब कर लेगा। इट प्रोवाइड द बल्क एंड लेटरल स्टिफनेस प्रोवाइडेड फॉर लोड सपोर्ट। जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फ्लेक्सिबिलिटी है कन्वेयर बेल्ट का वो इस कैरकेस से बनता है।
एंड फोर्थ है प्रोवाइड एडिक्वेट स्ट्रेंथ फॉर प्रॉपर बेल्ट होल्डिंग और फास्टनर होल्डिंग। जब आप बेल्ट के दो एंड को ज्वाइन करते हैं विथ ए मैकेनिकल फास्टनिंग, तो उस बोल्ट बोल्टिंग के जब बोल्ट करेंगे तो बोल्ट को होल्ड करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो भी इस कैरकस से प्रोवाइड होता है कन्वेयर बेल्ट को। जो कैरकस है वो उसको आप या तो सिंगल लेयर होता है या मल्टी लेयर होता है। ईच लेयर को हम प्लाई बोलते हैं। अगर ये सिंगल प्लाई है, सिंगल लेयर है, तो इसको बोलेंगे वन सिंगल प्लाई और वन प्लाई, और मल्टी लेयर है तो जनरली 2 to 6 प्लाईज में मैन्युफैक्चरर्स इसको बनाते हैं। इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? ये वूवन टेक्सटाइल फैब्रिक, वूवन टेक्सटाइल फैब्रिक और स्टील कॉर्ड्स और रिसेंट डेवलपमेंट है एरामिड का भी यूज होता है इसको बनाने में। वूवन टेक्सटाइल फैब्रिक में ये या तो कॉटन से बना हुआ होगा या नायलॉन या पॉलिस्टर का यूज होता है। इसका डेजिग्नेशन हम कैसे करेंगे? ये या तो ये इंडियन सिस्टम्स में इसका डेजिग्नेशन होता है जो IS 1891 द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और दूसरा है इंग्लिश सिस्टम ऑफ डेजिग्नेशन। सबसे पहले इंडियन सिस्टम को देखते हैं। इंडियन सिस्टम में इसका डेजिग्नेशन ऐसे होता है कि इसको किलोन्यूटन पर मीटर विड्थ ऑफ द बेल्ट के हिसाब से डेजिग्नेट किया जाता है। अगर आपको ये मेंशन करे फॉर एग्जांपल कि इन कैरकस 1250/4, तो /4 का मतलब है कि इसका ये कन्वेयर बेल्ट में चार प्लाई ऑफ कैरकस है, चार प्लाई, फोर नंबर ऑफ प्लाईज है, मीन्स फोर लेयर्स ऑफ कैरकस है, और 1250 मीन्स ये टोटल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये चारों का कंबाइंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है? 1250 किलोन्यूटन पर मीटर विड्थ ऑफ द बेल्ट। पर मीटर विड्थ ऑफ द बेल्ट के हिसाब से ये टोटल चार मिलके कितना ब्रेकिंग, टोटल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना दे रहे हैं? ये 1250 दे रहे हैं। ये जो डेजिग्नेशन किया गया 1250/4, इसका मतलब वही है। इंग्लिश सिस्टम में इसको PIW से डेजिग्नेट किया जाता है। PIW क्या है? पाउंड पर इंच विड्थ ऑफ द बेल्ट, विड्थ ऑफ द बेल्ट, जो हमने इंडियन सिस्टम में किलोन्यूटन पर मीटर विड्थ ऑफ द बेल्ट के में जाना था, इसको इंग्लिश सिस्टम में PIW से डेजिग्नेट किया जाता है। और इसका कन्वर्सन फॉर्मूला है 1 kN/m इज इक्वल टू 5.714 PIW। ये इसका कन्वर्सन फॉर्मूला है। हमारा नेक्स्ट पार्ट था स्कीम्स। ये स्कीम्स जो है, ये जो कैरकस को कैरी करता है, इसके बीच में जो रबर इंटरप्ले रहता है, इसको हम स्कीम बोलते हैं। और नंबर ऑफ स्कीम्स कितना रहेगा? नंबर ऑफ स्कीम्स होगा नंबर ऑफ प्लाई -1। इसमें 3 प्लाई है तो 2 स्कीम है, 2 रबर इंटरप्ले है। हमारा थर्ड पार्ट था कवर। कवर जो होता है, जो टॉप सरफेस को हम लोग बोलते हैं टॉप कवर, ये कैरिंग का इसको कैरी कवर भी बोलते हैं, और फिर बॉटम वाले को हम लोग बोलते हैं बॉटम कवर, और इसको पुली कवर भी बोलते हैं, बिकॉज ये पोर्शन जो है ये पुली के ऊपर रैप होता है। तो हमारा जो थर्ड कंपोनेंट था कवर्स, इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये कैरकस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वियर एंड केमिकल
अटैक्स, पहला। दूसरा, ये जो मटेरियल, ये क्या क्या मटेरियल से बनता है? जनरली ये नेचुरल रबर या सिंथेटिक रबर, नाइट्राइल रबर, ब्यूटाइल रबर, एथिलीन प्रोपिलीन रबर, क्लोरोपिन रबर जिसको न्योप्रिन बोलते हैं कॉमनली, नाइट्राइल क्लोरोपिन रबर और सिलिकॉन रबर, ये डिफरेंट रबर कंपोनेंट से बनता है। हमारा जो IS 1891 जो है उसने बेल्ट को फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट वन आपका जनरल पर्पस बेल्टिंग है, पार्ट टू हीट रेजिस्टेंट बेल्टिंग, पार्ट थ्री ऑयल रेजिस्टेंट बेल्टिंग, पार्ट फोर हाइजेनिक बेल्टिंग एंड पार्ट फाइव इज फायर रेजिस्टेंट बेल्टिंग। इसके हिसाब से जो आपका बेल्ट का कवर है इसका डिजिग्नेशन आता है। तो हमारे जो IS 1891 का डिफरेंट बेल्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसके कवर ग्रेड्स भी डिफरेंट है। एम ग्रेड एम और ग्रेड एन जो है वो जनरल पर्पस बेल्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जनरली ग्रेड एन जो है N17 M24 से थोड़ा सा रिड्यूस्ड एब्रेशन रेजिस्टेंस और डिग्री ऑफ कट रखता है। नेक्स्ट होता है ग्रेड HR जो हीट रेजिस्टेंट कन्वेयर बेल्ट, हीट रेजिस्टेंट कन्वेयर बेल्ट में यूज होता है जो हॉट मटेरियल्स को कैरी करते हैं। उसके नेक्स्ट होता है फिर ग्रेड FR फ्लेम और फायर रेजिस्टेंट, ये बनता है SBR और नाइट्राइल सिंथेटिक रबर और नाइट्राइल PVC न्योप्रिन, ये मटेरियल से आपका फ्लेम और फायर रेजिस्टेंट कवर बनता है। नेक्स्ट होता है ऑयल रेजिस्टेंट ग्रेड, ये ऑयली मटेरियल्स कैरी करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है हाइजेनिक ग्रेड जो फूड स्टॉफ्स को कैरी करने के लिए यूज होता है, और फिर लास्ट में केमिकल रेजिस्टेंट ग्रेड प्रोटेक्ट द रबर अगेंस्ट द कन्वेयर अगेंस्ट केमिकल अटैक। तो बिल्डिंग के हिसाब से हमारा जो कवर का ग्रेड्स है वो 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी जाने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है ट्रफेबिलिटी ऑफ ए कन्वेयर बेल्ट। जो अब जब आप कन्वेयर बेल्ट कोई भी कन्वेयर बेल्ट डिज़ाइन होता है तो उसमें दो चीज़ें कंसिडर की जाती है, एक जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कन्वेयर बेल्ट और दूसरा है इसका उसका ट्रांसवर्स फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रांसवर्स फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप फिगर वन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जब मटेरियल लोड होता है कन्वेयर बेल्ट में, ये कन्वेयर बेल्ट इतना नहीं मुड़ पाता है, जो कप फॉर्मेशन करता है ये इतना बेंड नहीं हुआ है कि ये इसका जो सरफेस है ये टोटल अपने आइडलर्स के साथ आइडलर के कांटेक्ट में आए। तो ये सिर्फ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसमें फुल सरफेस कांटेक्ट नहीं है और ये एक बेल्ट स्वे होने का मैक्सिमल चांसेस है। तो ये हमको दिस इज नॉट ए डिजायरेबल कंडीशन। अगर इसका ट्रांसवर्स फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो क्या होगा, जब आप बेल्ट लोड करेंगे तो एक पोर्शन ऑफ द बेल्ट यहाँ फ्लेक्स दो आइडलर के बीच में जो गैप होगा उसके अंदर चला जाएगा और ये दिस विल लीड टू प्री मैच्योर फेलियर ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। तो ये भी हमारा डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। हमारा डिजायरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए, जब हम लोड करते हैं तो ये जब लोडेड कंडीशन में दिस बेल्ट शुड बी इन कंप्लीट सरफेस कॉन्टैक्ट विथ इट्स आइडलर्स पर टफिंग। और ये जो एंगल होता है, ये एंगल इसको हम थीटा टी ट्रफिंग एंगल बोलते हैं, ट्रफिंग एंगल बोलते हैं। और ये नॉर्मली जनरली ये 20 डिग्री टू 45 डिग्री जनरल कंडीशन में इसका जो होता है वैल्यू, ये 20 टू 45 डिग्री में वैरी होता है।